आमो मानसा भुकला तो भुकला पर सुखला तो कहीं रांच दो वो पर्व है यार। होली के ठीक 7 दिन पहले से शुरू होने वाले भगोरिया पर्व को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। विदेशों तक यह प्रचलित है कि आदिवासी बच्चियां इस दिन भाग जाती है भगोरिया के मेले में, इसलिए इसे भगोरिया नाम दिया गया। इसकी असली सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए खबर मध्य प्रदेश की टीम पहुंची टांडा में, जहां पे भगोरिया का पर्व होली के ठीक 1 दिन पहले आयोजित हो रहा था। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा, स्थानीय हमारे प्रतिनिधि हितेश वर्मा के साथ में हमने भगोरिया के मेले का जायजा लिया। वहाँ पे जो दुकानदार थे उन लोगों से बात की, वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनसे भी बात की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे भगोरिया मेले में और दिखाते हैं वहाँ की लाइव तस्वीरें कि किस तरह से आदिवासी लोग उत्साह के साथ में इस पर्व को मनाते हैं, क्या उनकी परंपरा है, क्यों इस पर्व को मनाया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको भगोरिया के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम टांडा में और यहाँ भगोरिया का मेला है। आज आखिरी दिन है भगोरिया के मेले का, तो इस वक्त हम बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टांडा से। टांडा के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं भगोरिया को उत्साह से मनाने के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो दुकानें हैं, किस तरह से भगोरिया के बाज़ार सजे हुए हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है भगोरिया मेले की। ये देखिए, आस पास के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं बड़े उत्साह से यहाँ पर भगोरिया का मेला मनाते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर मिठाई की दुकान लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें टांडा से। बिल्कुल भगोरिया का जो पूरा माहौल है, जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, आसपास के ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, वे यहाँ पे आके ख़रीदारी करते हैं, परिवार के साथ आते हैं। ग्रामीण अंचल में भगोरिया का त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, सालों से यह परंपरा कायम है। शहरों में जो लोग इन ग्रामीण अंचलों के रहते हैं, होली के पहले यहाँ पर आ जाते हैं और त्यौहार को पूरे परिवार के साथ बड़े उत्साह से मनाते हैं। बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाना है आपको खबर मध्य प्रदेश पर। टांडा के भगोरिया अपने पूरे मूल स्वरूप में लौट आया है। आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे जो भीड़ है, कितनी भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये सब भगोरिया के उत्साह में जो लोग आए हुए हैं, आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग नज़र आएंगे। चलिए और आपको एक बात बताते हैं इस मेले की, कि इस मेले ने अब अपना राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है। ऐसे में आप ये दुकानों पर जो झंडे देखेंगे, कहीं आपको कांग्रेस के झंडे दिखेंगे, कहीं भाजपा के झंडे दिखेंगे। Thank you.
बेसन लग जाता होगा आज के दिन? आज का दिन ना 10 क्विंटल बेसन लगता है। 10 क्विंटल बेसन और 7 क्विंटल मिर्ची और जलेबी वगैरह कितनी? जलेबी 4 क्विंटल जलेबी। 4 क्विंटल जलेबी एक ही दिन? एक ही दिन। आपको 14 साल हो गए यहाँ दुकान लगा? 14 साल। तो ये जग्गू भाई है जो पिछले 14 सालों से टांडा में दुकान लगा रहे हैं, और इनका कहना है कि 7 क्विंटल मिर्ची के भजिए ये एक दिन में बेच देते हैं, 4 क्विंटल जलेबी बेच देते हैं, और कम से कम 10 क्विंटल बेसन के भजिए तैयार हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं दुकान पे, इस वक्त मैं खड़ा हूँ टांडा की। क्या नाम है दुकान का अपना? जग्गू होटल। जग्गू होटल के नाम से फेमस दुकान है टांडा की, बोरी रोड पे दुकान है ये। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लगातार बेसन और मिर्ची के भजिए तैयार होते जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मिर्ची के भजिए बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, बनते और ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए किस तरह से लकड़ी की भट्टी पर ये तैयार किए जा रहे हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें देखिए खबर में। आधुनिक युग में जब कैनवा जैसी एप्लीकेशन, कई फ़ोटो एडिट करने वाली एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पर मौजूद है, बावजूद उसके यहाँ टांडा में आप देख सकते हैं पारंपरिक रूप से लोग आ रहे हैं, एक आर्टिफिशियल फ़ोटो स्टूडियो बना हुआ है और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग हैं किस तरह से यहाँ अपनी परंपरा को निभा रहे हैं भगोरिया मेले में आकर, और यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए इस तरह के स्टूडियो का निर्माण कर रखा है। यहाँ पे हमारे साथ में स्टूडियो बनाने वाले भाई मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चेतन वैसार है। चेतन भाई बताइए, ये जो आपने स्टूडियो बनाया है इसमें कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में, और ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका? सर ये हमारा एक बिजनेस है, मतलब है ना, जो हम हरदा जिले से रहने वाले, हरदा जिले से जी, तहसील अंडिया ग्राम मांगुल है, और हम यहाँ पे है ना हर मेले मेले करते हैं भगोरिया। मतलब ये जो भगोरिया का जो मेला है ये अलग अलग जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ इस तरह के स्टूडियो आप लगाते हैं, और एक दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी? एक दिन में हो जाती है जय, कभी 5,000 भी मिल जाते हैं, कभी 3 भी, कभी 10 भी मिल जाते हैं, इससे हो जाता है। तो ये देखिए, आप चेतन भाई ने बताया कि एक दिन में 3 से 5 हज़ार रुपये की कमाई हो जाती है। यह वो दौर है 21वीं सदी का जब कई ऐसी एप्लीकेशन वेबसाइट मौजूद है जहाँ पे आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उन्होंने आज भी अपनी परंपरा कायम कर रखी है, और ये छोटे छोटे व्यवसायी लोग हैं जो इस तरह की मेले में दुकानें लगाते हैं उनकी आजीविका इसी माध्यम से चल रही है। आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, वे अपना यहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं होली के ठीक एक दिन पहले के, ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए आप,
बांडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के सांसद छतर सिंह दरबार हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि जो आदिवासी अंचल है, वनवासी अंचल है, यहाँ के जो लोग हैं भगोरिया का पर्व किस तरह से उत्साह से मनाते हैं। भाई साहब, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। ये कितने सालों से भगोरिया का पर्व मनाया जा रहा है, उसका क्या इतिहास है? भगोरिया का पर्व हमारे आदिवासियों का हर्षोल्लास, नाच गाना और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण और समाज में एकता रहे, वो पर्व है। ये लोग इसको कहते हैं कि ये महिलाओं को भागने वाला त्यौहार है। उन लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये पर्व आदिवासी लड़कियों का भागने का पर्व है। ये जिन लोगों ने ये इसको ऐसा प्रचारित किया, उनको असल में इसकी बुनियाद जानकारी नहीं है। ये हर्षोल्लास का है, चाहे गरीब से गरीब आदिवासी भी होगा, पर आज के दिन उसको किसी बात की नहीं चिंता होते हुए इस पर्व में वो जितनी क्षमता अनुसार नाचेगा, गाएगा, ताड़ी पिएगा, दारू पिएगा और सब भाई बहनों के साथ आनंद मंडल से। कोई कहावत है हमारी आदिवासियों में, आमो मानस्या भूखला तो भूखला पर शुक्ला तो कढ़ी रांच दो, वो पर्व है। तो ये सांसद महोदय का अंदाज देखिए आप, होली का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है, जितने ग्रामीण अंचल के लोग हैं खूब हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मना रहे हैं। और एक बड़ी बात सांसद महोदय ने ये बताई कि कई लोग इस पर्व को गलत तरीके से पेश करते हैं। कहा जाता है कि आदिवासी बच्चियां जो है इस दिन भाग जाती है, इसलिए इसको भगोरिया नाम दिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक हर्षोल्लास का पर्व है। आसपास के जो कई झाबुआ, अलीराजपुर के कई जिलों के लोग हैं, ग्रामीण वनवासी हैं, आदिवासी लोग हैं, जो खूब तैयारियां करते हैं इस पर्व को लेकर। शहरी क्षेत्र में साल भर खूब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मेहनत कश मजदूर लोग हैं, लेकिन वह होली के पहले 7 दिन पहले से ग्रामीण अंचलों में त्यौहार मनाया जाता है और यहाँ पर आकर उसको उत्साह के साथ मनाते हैं। 7 दिन तक चलता है, 7 दिन तक चलता है, खूब नाचते हैं। कोई ये गलत इसको ऐतिहासिक किया, विदेशों तक चर्चा है कि ये बेवा में एक क्या कहते हैं कि ये जो उनकी लड़कियां भागती है, इसका मैं भरसक विरोध करता हूं और ऐसे लोगों को मैं आगाह करता हूं, क्योंकि सोच वाले इस भगोरिया पर्व की और हमारे आदिवासी भाइयों की कल्चर की स्टेजी करे तो सही सत्य सामने आएगा। ये सांसद महोदय का यहाँ पे स्पष्ट रूप से बड़ा बयान है कि जो लोग गलत तरीके से इस भगोरिया के पर्व को पेश करते हैं, एक बार यहाँ पर आए, देखें अपनी आंखों से कि किस तरह से जो ग्रामीण अंचल के लोग इसको मनाते हैं, उसके बाद इस त्यौहार पर सवाल खड़े करें या उसके बाद में बात करें। टांडा से मैं लखन शर्मा, खबर मध्य प्रदेश के लिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।